सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज राजपुरा के नगर कौंसिल में दो बड़े समारोह के आयोजन किए गए, जिसमें पहला समारोह नगर कौंसिल के नए बने उप प्रधान सरदार अमनदीप सिंह नागी की ताजपोशी का था, जबकि दूसरा समारोह विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के यत्नों से शहर को मिली पहली बार सीवरेज क्लीनिंग मशीन का उद्घाटन कर राजपुरा की जनता के सुपुर्द करने का रखा गया था। यह दोनों समारोह राजपुरा नगर कौंसिल के ईओ सरदार मनवीर सिंह गिल की अगुवाई में करवाए गए। बात करते हैं पहले समारोह की, जिसमें राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने नगर कौंसिल के नए बने उप प्रधान सरदार अमनदीप सिंह नागी को उनके जन्मदिन पर ऐसा तोहफा दे दिया जो शायद अमनदीप सिंह नागी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सरदार कंबोज ने उन्हें आज नगर कौंसिल की उप प्रधान की कुर्सी पर बिठाया और उन्हें बधाई दी। ताजपोशी के मौके पर सरदार कंबोज के साथ विशेष तौर पर पहुंचे ब्लॉक कांग्रेस शहरी व देहाती के प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री व बलदेव सिंह गद्दोमा, हल्का घनौर के विधायक श्री मदनलाल जलालपुर के सपुत्र गगनदीप सिंह जोली, श्री भूपिंदर सैनी सहित कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने उप प्रधान बनने पर नागी को बधाई दी। अब बात करते हैं नगर कौंसिल राजपुरा में रखे गए दूसरे बड़े समारोह की, जिसमें शहर को बड़ी तपस्या के बाद मिली सीवरेज क्लीनिंग मशीन का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज द्वारा उद्घाटन कर राजपुरा की जनता के सुपुर्द किया गया। इस मौके पर बड़ी गिनती में शहर निवासी इस ऑटोमेटिक सीवरेज क्लीनिंग मशीन को देखने के लिए नगर कौंसिल पहुंचे। इस मौके पर सीवरेज क्लीनिंग मशीन का शुभारंभ पुराना राजपुरा के नगर खेड़ा के नजदीक सीवरेज को साफ करके किया गया। इस मौके पर सरदार कंबोज द्वारा नगर खेड़ा में अपने साथियों के साथ माथा भी टेका गया। इस मौके पर विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने न्यूज 89 को जानकारी देते हुए बताया कि राजपुरा निवासियों को जो असी जेट जड़ी है सीवेज क्लीनिंग मशीन है वो प्रोवाइड कराई है। ये मशीन की बहुत जरूरत सी क्योंकि साड़ी पंजाब दियां पहलियां 10 कमेटियां दे विचों एक कमेटी सी, पर दुख दी गल ये सी कि सानू ये मशीन जे सीवेज किते चौक किते किन्नी प्रॉब्लम साढ़े शहर दी है वो कदे सानू बाहरलियां बी या सी क्लास कमेटियां तो मंगानी पैंदी सी, पर पिछले दिन ही जो इतने कौंसल की मीटिंग दे विच मैं सब तो जोर नाल मुद्दा उठाया तो मैं क्या मैं उदों तक उठ के नहीं जाता जदों तक तुसी ये चैक नहीं कटते। तो जो मैं प्रोमिस करिया सी शहर निवासियों नूं के मिड नवंबर थानू ये मशीन जी प्रोवाइड आ वो करावांगा, वो मशीन अज शहर दे विच वो पहुँच गई आ। ये हूँ 80% तो वध साडी जिहड़ी सीवेज की प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी, कोई भी जिहड़ी समस्या असीं नहीं रहण देंगे। जिथे तक जिहड़ी हन पीण वाले पानी दे कुछ एरिए साडे जिथे मिक्स होके जिहड़ा गंदा पानी सी जो आंदा सी उहदे लई भी जिहड़ा है असीं लगभग 1.5 करोड़ रुपए का जिहड़ा वो एस्टीमेट वगैरह असीं तैयार करा लिया, पूरा उहदी प्लानिंग बन गई आ ते उह सारा चैक करा के नाल दी नाल हुण उह सारी जिहड़ी नवी पीण वाले पानी दी जिहड़ियां पाइपलाइन सन उह बदलियां जाणगियां। मेरा मुख जो सब तो पहला काम इह सी कि शहर नूं पीण वाले साफ पानी दिलाना शहर निवासियों नूं अते नाल ही जिहड़ी सीवेज की प्रॉब्लम आ उस नूं हल कराना। तो बहुत खुशी की गल है कि कल ही साढ़े नगर कौंसल दे जो मीत प्रधान साडा नौजवान बच्चा अमनदीप नागी नूं चुनिया है सारे कौंसलर साहबान ने, अज उसने भी जिहड़ा अपना जिहड़ा चार्ज आ वो कमेटी दे विच उन्हें लिया है। अते खुशी की गल है इस तों बाद हुण बहुत वड्डे जिहड़े विकास दे जिहड़े काम उस शहर दे विच असीं शुरू करान जा रहे हैं ते थोड़े समय तो बाद ही मैं एक ऐसा ना महीना एक रह गया विच नवें साल तो तुसीं देखोगे कि जिहड़े कम्मां दी बछाड़ लिया देंगे असीं राजपुरा दे अंदर और बहुत वड्डे जिहड़े विकास दे जिहड़े कम हन वो होणगे। तां इह मेरा पूर्ण तौर ते मैं यकीन दिलाना। इस मौके पर राजपुरा के ईओ सरदार मनवीर सिंह गिल ने न्यूज 89 की टीम को नगर कौंसिल में रखे गए इन दोनों समारोह के बारे में विशेष तौर पर जानकारी देते हुए बताया कि साडी पिछली एक मीटिंग हुई है जी, साधारण मीटिंग हुई थी छाबड़ा जी की प्रधानगी, जो एमएलए साहब ने
सारे एमसी साहबान की हाजिरी क्या जी मैं अच्छे इस मीटिंग तो जाऊँगा जो तुम सीवरेज क्लीनिंग मशीन का मैं चैक कट के दो उत्ते एम एल ए साहब के उपराले ही उसे उस मौके पर ही चैक कट के चैसी खरीद वास्ते भेज दिता सी। मतलब किस तरह चलेगा जी क्लीनिंग का कम? इंजीनियरिंग ब्रांच के थले रहूगी जी यह जेटिंग एंड क्लीनिंग जिमें जिमें कोई शिकायत आया करनी नाल दी नाल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले भेज के नाल सैनिटेशन ब्रांच दोनों ब्रांचा नालों नाल कम करनी है। शुरुआत पुराने राजपुरे तो अच्छ हो जा रही है जी एम एल ए साहब हूँ शुरू कर जा रहे हैं। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन दिनेश सचदेवा न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।